स्टूडेंट्स, आप अच्छे होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, ये है आपकी हिंदी साहित्य की क्लास। पुस्तिका है मधुर रिमा। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको सीस झुकाते हैं पार्ट एक रीडिंग करके बताया था। बच्चों, आज मैं आपको इस पार्ट की व्याख्या करके बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिसने सूरज चांद बनाया अर्थात जिसने से किसे बोला गया है, किसके लिए कहा गया है? ईश्वर के लिए। ईश्वर ने क्या बनाया? सूरज और चांद किसने बनाया? ईश्वर ने। जिसने तारों को चमकाया, किसने चमकाया बच्चों तारों को? ईश्वर ने। जिसने फूलों को महकाया अर्थात महकाया मीन्स क्या होता है? फूलों से जो खुशबू आती है, जो सुगंध आती है, किसने महकाया? ईश्वर ने। जिसने चिड़ियों को चहकाया का क्या अर्थ होता है? पक्षियों का बोलना, पक्षियों की चहचहाट। क्या होता है बच्चों? पक्षियों की चहचहाट, उनकी बोली। जिसने चिड़ियों को बोलना चहचहाना सिखाया। जिसने सारा जगत बनाया, जगत मीन्स क्या होता है बच्चों? जगत मीन्स पूरा संसार, पूरा विश्व, सारा संसार। जिसने सारा जगत बनाया अर्थात जिस ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया है, हम उसके गुण गाते हैं। हम उसके गुण मीन्स क्या होता है बच्चों? गुण मीन्स होता है ईश्वर की महिमा का बखान करना, ठीक है? हम उसके गुण गाते हैं, प्रेम से शीश झुकाते हैं, प्रेम से शीश झुकाते हैं। शीश मीन्स क्या होता है बच्चों? सिर, मस्तक। हम क्या करते हैं? हम उसके गुण गाते हैं, प्रेम से शीश झुकाते हैं, अर्थात हम ऐसे परमपिता परमेश्वर की, ईश्वर की आराधना करते हुए, उसकी महिमा का गुणगान करते हुए उसके सामने अपने सिर को झुकाते हैं, अर्थात नतमस्तक होते हैं। बच्चों, इसमें जो नीले अक्षर दिए हुए हैं, महकाया, चहकाया, जगत, गुण गाते हैं, शीश, बच्चों ये आपके क्या हैं? कठिन शब्द हैं। बच्चों, इनको आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है बच्चों? लिखकर अभ्यास करना है और इनके नीचे अंडरलाइन करनी है। आपको क्या करनी है? अंडरलाइन करनी है और अलग से लिखना है और इनको लिखकर याद करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।